शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अब श्रद्धा तो कीर्ति आ गई तो तुम दोनों जाओ घर, हम देख लेंगे। नहीं नहीं, हम बिना वरुण जी के घर नहीं जाएंगे। वरुण जी, अरे कीर्ति मैं हूँ ना भाई के साथ, वो गाड़ी की थोड़ी सी टक्कर हो गई है, 5-10 मिनट का काम है, हम ठीक करवा के आ जाएंगे घर। श्रद्धा, हाँ कीर्ति, अब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी देर रात तक घर से बाहर जाएंगे ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चल घर चलते। जाओ जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है। अब नहीं, उठो उठो, कोई मदद कीजिए, यहाँ पे आसपास कोई हॉस्पिटल है कि? अबे अबे एम्बुलेंस को फोन कर जल्दी प्लीज, अपनी अपनी होश में आओ। जी अब ठीक तो है ना? हाँ, हम साथ ही लौटे हैं। और वो जो लड़की थी गाड़ी में, वो कैसी है, ठीक है ना? सर पे थोड़ी सी चोट आई थी पर अब ठीक है, उसे भी घर छोड़ा है। अभय, वो लड़की थी कौन? वरुण जी उसको देखकर इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, वहाँ कीर्ति थी, कीर्ति भी उनकी नजर नहीं गई, बिल्कुल ठीक थी कीर्ति, ये देखकर उनको जरा सी खुशी भी नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? अगर कीर्ति भाई की गाड़ी लेकर नहीं गई तो कौन ऐसा जो भाई की गाड़ी लेकर जा सकता है, तो जिसके लिए भाई इतना परेशान हो जाए। अपनी कैसे चीजें भूलने में ना भाई, तुमसे भी दो कदम आगे। अपनी गाड़ी अपनी के घर छोड़ आया था, जब कीर्ति गायब हुई तो उसे शायद लगा कि कीर्ति गाड़ी लेकर चली गई है। हे भगवान, अच्छा वो कीर्ति को इस बारे में कुछ नहीं पता चला। ये तुम तो शुक्र मनाओ कि गाड़ी ज्यादा नहीं टूटी, सर्विसिंग करवा के आज ही वापिस ले आया उसे, अन्यथा घर वालों को गाड़ी के बारे में पता चल जाता ना, पता नहीं कितना बड़ा बवाल हो जाता। और इन सब का भी सारा इल्जाम वरुण जी ने आपके ऊपर लगा दिया ना, जैसे कि आप ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वरुण जी की यही हरकतें ना एक दिन मुझे सब कुछ उनका छीन लेगी। श्रद्धा, ये हमारी सरदर्द नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप अबे, क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं श्रद्धा, भाई को खुद भाई ही संभाल सकता है, पर अब वक्त आ गया है कि हम खुद की जिंदगी संभाल लें। ये देखो, मैंने खुद के काम का प्रस्ताव बनाया है श्रद्धा सारी, कैसा लगा? अच्छा है अभय। तुम खुद का नहीं सही, कम से कम हमारे बारे में तो सोच सकती हो ना। अभय मैं ऐसा नहीं, अभय मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ, ये अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा है?
ये जो आप दिखा रहे थे क्या है? ये तुम्हारे नाम पे कंपनी खोलने जा रहा हूँ, श्रद्धा सारी। पर ना मैं ही बेवकूफ हूँ जो हम दोनों की जिंदगी के बारे में सोचता रहता हूँ। तुम्हें तो बस अपनी भाई कीर्ति इन्हीं की जिंदगी में घुसे रहना है बस। ऐसा नहीं है अभय, कीर्ति मेरी बहन है। कैसे सोचना बंद कर दो? उन दोनों के रिश्ते में इतना सब कुछ उलझता जा रहा है, मैं कैसे उनके बारे में नहीं सोचूं अभय? मुझे इस बारे में वरुण जी को खुद ही समझाना होगा। वाह वाह, मतलब सास हो तो आपके जैसी, वरना ना हो। सुबह सुबह अपनी बहू के लिए, उसकी गोद भराई के लिए हाय आप मंदिर से प्रसाद ले आई, क्या बात है, कमाल। आपको पता है भाभी, हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ये नैना भाभी और उनकी बहू का ना रुतबा कम हो जाए। जैसे ही श्रद्धा खुशखबरी देगी क्यों उनका रुतबा कम हो जाएगा। अरे ऋतु, खुशखबरी की उम्मीद तो हम तब जगाएंगे ना जब श्रद्धा ये प्रसाद खाएगी। खाएगी भाभी, हम लोग हैं ना, चलिए। अरे श्रद्धा, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने नाश्ता बना दिया सबके लिए? मम्मी जी एक काम आ गया है, बस उसे निपटा लूं फिर आके नाश्ता बना दूंगी। बेटा सबसे पहले ना तुम प्रसाद खा लो, वो टेबल पे रखा हुआ है। हमने अभय और तुम्हारे लिए खास पूजा करवाई थी मंदिर में, देखना अब तुम दोनों का परिवार भी पूरा हो जाएगा। हाँ जाओ ले लो। ठीक है मम्मी जी, मैं लेकर ही चली जाती हूँ, रास्ते में खा लूंगी। हाँ हाँ। सुबह सुबह इसे क्या हो गया? हम तो कह रहे हैं आपको भी ना अपने लिए पूजा करवा लेनी चाहिए। मतलब पहले तो आपकी बहू कमाती थी, समझ में आता था कि बेचारी के पास वक्त नहीं है, मगर अब तो वो बहाना भी चला गया। फिर भी देखिए आपको भाव नहीं दे रही। वो किसी ने सही कहा है कि सास चाहे कितनी भी कोशिश कर ले माँ बनने की, आखिर में ना बहू बहू ही रहती है। बस दिन से रात नाप ताना मारते रहिए क्योंकि आपको तो कोई और काम है भी नहीं। अभी आप भी ना। भाई कोई इतना चिल्ला रही है भाई? भाभी ये देखिए, श्रद्धा बिना प्रसाद लिए ही चली गई। मतलब ये क्या बात हुई, यहाँ एक सास अपनी बहू के लिए इतना कुछ कर रही है और यहाँ ये श्रद्धा, अपनी सास की जरा भी इज्जत नहीं है उसे, जरा भी परवाह नहीं है, चली गई बिना लिए। अब तो लगता है ना कि श्रद्धा को रोज पाठ पढ़ाना होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलने वाला है। अच्छे से जाइए। स्वीटू वो क्या है ना कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा हो गया तो जल्दी जाना पड़ सकता है, किसी दिन रात को देरी भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दो दिन के लिए मुझे शहर से ही बाहर जाना पड़े। अरे वरुण जी, लेकिन होली आने वाली है और आप इतनी सारी तैयारी है और आप शहर से बाहर चले जाएंगे होली के? अरे होली में मैं रहूंगा स्वीटू, बस इसीलिए तो काम जल्दी निपटा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, वो अपना ध्यान रखना। ओके? अरे वरुण जी एक सेकंड, हम तो भूल ही गए, हमें क्लिनिक जाना है, आप हमें छोड़ देंगे? चलो ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना। हाँ बस हम 5 मिनट में बैग और वो अपना फाइल लेकर आते हैं। ये क्या पागलपन है श्रद्धा? मैं आपका पागलपन रोकने आई हूँ वरुण जी। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं ना वो ठीक नहीं है वरुण जी। उसे मेरी जरूरत है श्रद्धा, कल रात जो हुआ उसके बाद जो कुछ भी हुआ
उसके लिए अभय है वहां पर सुबह से, और जहां तक अग्नि की बात है अभय और मैं उसका ध्यान रख लेंगे, लेकिन अभी आपके लिए कीर्ति का और अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। क्या कह रही हैं आप दीदू? आप क्या बोल रही थी वरुण जी को? अरे कुछ नहीं कीर्ति, वो तो मैं बस वरुण जी को याद दिला रही थी कि इस वक्त उनका तेरे साथ जाना ज्यादा जरूरी है। मुझे अभी कहीं निकलना है, तो जाइए आप दोनों। आप स्वीटो, आप चलो ना, निकलते, देर हो रही है। वरुण जी, दीदू की शक्ल देख के लग रहा था कि वो किसी बात के लिए आपको डांट रही है, और आप भी परेशान दिख रहे हैं। बताइए ना क्या बात हुई है प्लीज। ओ कुछ भी तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दीदू को मुझसे कोई तकलीफ है। क्या फिर क्या हुआ है? देखिए आप प्लीज हमें बताइए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो होली पे मैं तुम्हें एक बड़ा सा तोहफा देना चाहता था, और इसीलिए तो मैं दिन रात काम कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए स्वीट। पर श्रद्धा को ऐसा लगता है कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ही खर्चा करने लगा हूँ, और उसे ये सब सही नहीं लग रहा। यू नो, मुझे पहले नहीं लगता था कि ये सच है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं सही सोच रहे थे। अभय और श्रद्धा ना, हम दोनों से जलते हैं, उन्हें हमारी खुशियां देख के ना जलन होती। तुम्हें याद है कैसे वो जब हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी तो मेरे लिए खड़े हो जाते थे, और अब देखो। वही ना वरुण जी, हम तो पहले से कहते थे ना आपको, और ये दीदू का आज से नहीं है, बचपन से है। पहले हमारी खूबसूरती से जलती थी, और अब हमारी खुशियों से जलती है। पर ना आप टेंशन मत लीजिए, हमें पता है कि दीदू को कैसे समझाना है, हम समझा देंगे, ठीक है? बस अब बहुत हो चुका है, अग्नि बंद करो अपना ये नाटक। एक बसे बसाए परिवार को तोड़कर क्या खुशी मिलेगी तुम्हें? अभी तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है वरुण जी कीर्ति से कितना प्यार करते हैं? करता था श्रद्धा, अब वरुण मुझसे प्यार करता है। वो मेरा बचपन का दोस्त है। वक्त के साथ मैंने हमारे रिश्ते को बदलते हुए महसूस किया है। सच कहूं तो श्रद्धा, अब हम अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अग्नि, अगर तुम वरुण जी से प्यार करती हो तो बताओ ना, क्या कर सकती हो तुम उनके लिए? जान भी दे सकती, और वरुण जी की खुशी के लिए वो जो मांगे वो दे सकती। जानती हो अग्नि, वरुण जी की सबसे बड़ी खुशी कहाँ बसी है? उनके आने वाले बच्चे में। जानती हूँ मैं श्रद्धा, तो अगर तुम्हारी वजह से वरुण जी के आने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो जानती हूँ उनकी सबसे बड़ी खुशी छिन जाएगी, जिसकी जिम्मेदार तुम होगी। और मेरे और वरुण की यादों का क्या श्रद्धा? मैं जानती हूँ मैं उस बच्चे से बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे लिए वो यादें ही सब कुछ है, उसका क्या श्रद्धा? जानती हूँ, सच्चे प्यार का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने स्वार्थ की कुर्बानी। अग्नि, अगर तुम वरुण जी से सचमुच प्यार करती हो ना तो ये कुर्बानी दे दो, क्योंकि तुम्हारी इस कुर्बानी से 3 जिंदगियां बच सकती हैं, कीर्ति की, वरुण जी की,
उनके आने वाले बच्चे की। प्लीज अफीम। ठीक है, जो तुमने कहा वही कर रही हूं, अपने प्यार की कुर्बानी दे रही हूं। क्या कर रही हो तुम अपनी? क्या है ये सब? क्या है ये? क्या पागलपन है अपनी? वरुण से जुड़ी सारी यादों की कुर्बानी दे रही हो, उसकी दी हुई हर एक चीज की कुर्बानी दे रही हूं। क्या कहां जा रही हो तुम अपनी? मैं वरुण से जुड़े हुए हर एक एहसास की कुर्बानी दे रही हूं श्रद्धा, मैं खुद की भी कुर्बानी देती हूं। मैं खुद की कुर्बानी देने जा रही हूं। अपनी अपनी दूर हटो, छोड़ो मुझे, आग से दूर हटो। अपनी क्या कर रही हो तुम? ये मैं वरुण के बिना नहीं जी सकती। अपनी तुम पागल हो गई हो? क्या करने जा रही हो तुम? अभी होश में तो हो तुम? मुझे मेरी बात सुनो, वरुण जी के साथ ऐसे रिश्ते में रहकर तुम रोज सिर्फ जलाओगी ही अपने आप को और कुछ नहीं। जब अपनी आंखों के सामने तुम उनका परिवार देखोगी जो तुम्हारी वजह से टूट सकता है अवनी, तब तुम सिर्फ उस पाप की आग में जलोगी। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इस वक्त तुम्हें एक फैसला लेना होगा कि तुम कीर्ति और वरुण जी के बीच में नहीं आओगी। सिर्फ उनके लिए नहीं, तुम्हारे खुद के लिए। जरा सोचो अब, इस बटे हुए रिश्ते में रहकर क्या तुम कभी खुश रह पाओगी? खुद से ये सवाल पूछो। कल को जब वरुण जी अपने आने वाले बच्चे से दूर हो जाएंगे तो इसका जिम्मेदार वो सिर्फ तुम्हें ठहराएंगे, फिर क्या करोगे तुम? नहीं, इससे अच्छा तो यही है कि खत्म कर दो ये अधूरा रिश्ता। अपनी अभी के अभी वरुण जी को फोन करो और ये अधूरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दो, अपने प्यार के लिए। अपनी तुम ठीक तो? मैं बस आ ही रहा हूँ तुम्हारे पास। अरुण, अवनी, मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए फोन किया था कि अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और ना ही कभी मिलेंगे। क्या ये क्या बोल रही हो? श्रद्धा ने तुमसे कुछ कहा? बोलो अवनी। हेलो हेलो श्रद्धा, जो तुम चाहती थी मैंने वही कर दिया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? श्रद्धा बिना प्रसाद खाए चली गई? वही तो भाभी, हम भी इसी बात से हैरान हैं कि श्रद्धा ऐसा कर कैसे सकती है। वैसे तो बड़ी बातें करती है कि बड़ों का मान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ खुद की सास का सम्मान नहीं रख पाई वो। अरे भाभी, हम तो बस
नौकरी थी तब तो तुम्हें अपने घर के काम से छुटकारा मिल ही जाता था, लेकिन अब जब तुम्हारी नौकरी नहीं है तो तुम तो घर से यही सोच के निकल जाती होगी कि मम्मी जी तो हैं पूरे दिन रसोई में खटने के लिए। मम्मी जी वो कुछ काम आ गया था। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ तुम्हारे सर पे टूट गया था जो हमारे बोलने के बावजूद तुम प्रसाद खाए बिना घर से निकल गई? मम्मी जी माफ कीजिएगा, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, मैं अभी खा लेती हूँ। वैसे दुनिया भर के लिए तो तुम हमेशा खड़ी रहती हो, लेकिन इस दुनिया में हम तुम्हारे लिए कोई मायने रखते भी हैं या नहीं? मैं भी इसे कई बार समझा चुका हूँ चाची कि अपने घर पे ध्यान दे, अपने काम से काम रखे, पर नहीं, इसे तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ानी। ऐसा कुछ नहीं है वरुण जी। तो कैसी बात है श्रद्धा, हम बताते हैं असली बात क्या है। कीर्ति रानी, मतलब अवनी यहाँ कैसे? तुम्हें याद तो है ना ठीक से कि तुमने खुद से हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकाल दिया था, तो अब अचानक क्या हो गया? कुछ ऐसा बुआ जी जो आप सोच भी नहीं सकती। हमें खुद उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना गिर सकते हैं। कभी कभी आदमी औरत को इतना कमजोर समझ लेता है कि भूल जाता है वो औरत अगर जवाब देने पर आ जाए ना तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती। मुझे वरुण से दूर करने की कोशिश में तुम मुझे मजबूर कर रही थी कि इस होली में मैं अपना असली रंग सामने लाऊं, जिसमें तुम्हें दिखेगा मेरे जुनून का रंग। और तुम बच के रहना, कहीं तुम पर मेरी नफरत का रंग ना चढ़ जाए। ऐसी धमकी से ना तो मैं पहले कभी पीछे हटी थी और ना अब पीछे हटूंगी। जितनी बार तुम वरुण जी और कीर्ति के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करोगी, तुम उतनी बार मुझे अपने सामने खड़ा पाओगी। याद रखना। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।